हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हमारे एग्जाम को लगभग 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, अभी बस 3 ही महीने बचे हैं, तो इसका किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि जब जून वाला एग्जाम हो और फिर फर्दर रिजल्ट आए तो जेआरएफ हमारा हो। ठीक है, तो चलते हैं सर स्लाइड बाय स्लाइड, बच्चों का ज़्यादा बिल्कुल बिना बिल्कुल। टाइम लिए हुए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं होता है और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो आपको समझना है। तो CSI नेट का पेपर जो है वो हमारा तीन सेक्शन में बटा हुआ बिल्कुल, आप है ना। टेबल की तरह देख सकते हो, 20, 40, 60, इस तरह से 3 सेगमेंट में क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में 15 अटेम्प्ट करना होता है, सेकंड में 25 और थर्ड में 60 में से 20। तो आप देख सकते हो कि थर्ड सेगमेंट में तो बहुत चॉइसेस हैं आपके पास ना, 60 में से 40 छांटने हैं, 20 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो नेट का एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम होता है, इसमें बस ये है कि सेक्शन ए और बी में निगेटिव मार्किंग है आपके पास और सेक्शन सी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ए में 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 15 × 2 = 30 मार्क्स हो गया। बी में 3 मार्क्स के हैं, 25 × 2 = 375, और सी में 4.75 मार्क्स के होते हैं, तो 20 × 4.75 = 95 मार्क्स हो गया। टोटल ऐड ऑन करोगे 200 मार्क्स का पेपर रेडी हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में जो हमारा मैथ्स का पेपर होता है वही स्टैट वालों को भी पेपर है, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर सर ने हमें बताया कि जो 40 क्वेश्चंस पार्ट बी में और 60 क्वेश्चंस पार्ट सी में, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको स्टैट के भी मिलेंगे। बिल्कुल, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो वहां 12 क्वेश्चन स्ट्रेस प्रोबेबिलिटी के होंगे, वही पार्ट सी में 18 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल। उनका सेगमेंट है। ठीक है, चलिए अभी स्लाइड पे आते आगे हैं। चलते हैं दोस्तों, और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो कट ऑफ क्या रहता है इन जनरल, कि जो हम लोग CSI नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये आप कट ऑफ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ हमारा दिसंबर 30 का, तो इसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं कि जो JRF का कट ऑफ था वो आपके सामने है ये स्क्रीन के ऊपर। अभी जैसे हमने देखा कि सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो 200 मार्क्स का है, तो आपके मन में आएगा ना कि भाई हमें तैयारी 200 मार्क्स के लिए करनी है। तो उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए कि भाई 200 मार्क्स का पेपर है तो 200 ही नहीं लेकर आ जाना है, आप पिछले सारे कट ऑफ देख सकते हो, ऑन एवरेज देखोगे तो किसी भी पेपर में 60% से ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ JRF की बात, यहाँ JRF ही का कट ऑफ आपके सामने है, तो 109.75, 108, 96, 98, 114, 107, ये सब क्या कहता है आपको कि आप अगर 100, ये 200 में से 120 मार्क्स भी अगर आप ले आते हो, 60% अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो कट ऑफ कहीं भी जाए आपको कट ऑफ चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका JRF हो रहा होगा। हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, किसी तरह से 120 मार्क्स हमारे बन जाए। हाँ, और हम लोग सर ये भी जानते हैं कि ये 120 कट ऑफ जो दिख रहा है वो अभी तक बस 2-3 ही एग्जाम ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर 110 के ऊपर कट ऑफ हाँ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैक्सिमम कट ऑफ हाँ 2016 के दिसंबर में था, जो 117 नंबर JRF के लिए था, उससे ऊपर हाँ आज तक कट ऑफ गया ही नहीं, अभी तो और कम कट ऑफ आने लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और लगभग सर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लगभग इनका जो कट 60 ऑफ परसेंट रहा 60% 50-60% के अराउंड ही इनका कट ऑफ रहता है, तो आपको 200 में से बस 110 120 मार्क्स लाने हैं। 120 मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आपका JRF हो जाएगा। तो अब ये 120 मार्क आपको कैसे लाने हैं इसी के बारे में हम लोग अब थोड़ी सी लोग अभी स्ट्रेटेजी बात बता रहे करें। हैं ना। चलिए तो अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाद कि क्या टारगेट आपका होना चाहिए कि किस जब। तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो देखो पार्ट ए जो है ना आपके पास, यहाँ पे सर 10 × 2 = 16 लिखा गया, या 8 × 2 लिखना था, चलिए भाई ये लिखने वाले ने थोड़ी गलती कर दी है। तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो उस 15 में भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए, और आप यकीन मानिए कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते तो अलग बात थी, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, एप्टीट्यूड का सेगमेंट है, तो 20 में से 8 क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे मिल जाएंगे जो मैथ्स वाले बिना किसी अलग से तैयारी किए हुए उसे बना सकते हैं, मैथ्स वाले लॉजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं। तो 8 × 2 = 16 मार्क्स जो है वो पार्ट ए से आप ला सकते हैं बड़े आराम से। वही पार्ट बी में 40 में से 25 तो करने ही थे, उस 25 में से भी हमारा कहना है कि आप 15 ही करिए, चुन लीजिए उसमें से 15 जो आपके फेवरेबल सेगमेंट का होगा, और वो 3 मार्क्स का होता है, तो 45 मार्क्स आप वहां से ला पा रहे होंगे। और पार्ट सी में 60 में से 20 करने थे, उसमें से भी हम कह रहे हैं कि आप 15 ही बस करिए, अगर चुनकर सही से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप अटेम्प्ट तो खैर पूरा का पूरा 20 ही करिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15 अगर उसमें से सही होते हैं तो 15 × 4.75 करेंगे, जो 71.25 आ जाएगा, एड ऑन करोगे तो आप 120 के पार चले गए होगे, बिल्कुल है ना। तो सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है, बस हमें छांट छांट के इजी इजी वाले हर सेगमेंट में से निकाल के कर लेने हैं।
भले ही आपको पार्ट ए डिफिकल्ट जाता हो तो उसकी भी चिंता ना करो, 7-8 क्वेश्चन, ऐसे सर ने बताया कि 7-8 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहेंगे जो कि कोई भी बंदा कर सकता है, तो आपको वही 7-8 क्वेश्चन चुनने हैं और उन्हीं को अटेम्प्ट करना है भले ही आपको एप्टीट्यूड पसंद ना आ रहा हो। अब सर कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि उनका सिर्फ सब्जेक्ट के नॉलेज से हो जाएगा। हाँ, मन में पता नहीं किस बात का ईगो होता है कि मुझे सब्जेक्ट से ही JRF लाना है। भाई JRF मतलब JRF होता है, सर्टिफिकेट पे थोड़ी लिखा होता है कि पार्ट ए के मार्क्स से हो गया है ना। जैसे कि आगे हम सब्जेक्ट वाइज मार्किंग की बात करेंगे, लेकिन अज्यूम करो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी सब मिला करके 30 से 35 नंबर का पूछता है। सिलेबस पढ़ के अच्छे से समझने में 2 महीने का समय लगा देते हैं स्टूडेंट, है ना, और तब जा करके उसमें से पूरा अटेम्प्ट वो नहीं कर पाते और पार्टे भी तो 30 नंबर का पूछता है, तो फिर उसको इतना कम इम्पोर्टेंस क्यों? मार्क्स तो मार्क्स ही होता है, है ना। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट भी नहीं मारने हैं, आप सिंपली जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको भी अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे और उनमें जो पार्ट ए के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे, तब भी आप 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। राइट, चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो यही अभी जो हमने जो उधर क्राइटेरिया बताया था ना, तो उसी चीज को यहाँ थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है ताकि बच्चों को क्लियर क्लियर नजर आए कि पार्ट ए में से वहां पे तो 16 की बात करी थी बट कह रहे हैं यहाँ पे कि चलो 10 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ 8 लिखना था, है ना, 10 से वहां मल्टीप्लाई करा हुआ था, तो 8 क्वेश्चन अगर आप 20 में से करते हैं और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और पार्ट सी में से भी अगर 15 कर लेते हैं आप, तो ओवरऑल जो आपका एडिशन है वो 130 के आसपास चला जाएगा, जो कि JRF के लिए बहुत ही सेफ स्कोर है, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब सिलेबस के बारे में, अब ये खैर डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, ये जस्ट आपके टॉपिक्स है कि जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करें और वहाँ पर आप डिटेल्ड सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, पेपर का एनालिसिस भी आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, तो एक बार जरूर आप IFS की वेबसाइट IFSonline.com पे विजिट करें। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा सिलेबस है उसमें पार्ट ए में तो एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना, और जो हमारा पार्ट बी और सी है उसमें प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्ट्रेस प्रायोरिटी का सेगमेंट मिक्स होता है। प्योर मैथमेटिक्स में मेनली रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी, ये आपके प्योर मैथमेटिक्स का सेगमेंट हो गया। फिर ओडी, पीडी, सीओबी, न्यूमेरिकल, इंटीग्रल और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सारे हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेगमेंट है। एंड देन फिर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट है। अब इसमें और सब टॉपिक वाइज अगर आपको डिवाइडेड चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, तो सारा कुछ इन डिटेल भी आपको वहाँ पे मिलेगा और आपको ये भी दिखाई देगा कि वेटेज सारे टॉपिक्स का अलग अलग है। किसी टॉपिक को ज्यादा वेटेज है, किसी टॉपिक को कम वेटेज है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर आगे आएंगे तो आपको ये एनालिसिस दिखाई देगा कि जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पे अभी तो स्क्रीन पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप लोग इसे आराम से स्क्रीन शॉट लेना और जूम करके देखोगे, मैं एक सब्जेक्ट का बोल भी दे रहा हूँ, जैसे कि रियल का ही ले लो, अभी जून 23 की बात करी जाए तो उसमें पार्ट बी में 7 क्वेश्चन थे और पार्ट सी में 12, मतलब 19 क्वेश्चन थे। अगर मार्क्स की बात करूं तो 7 × 3 = 21 यहाँ है और 12 × 4.75, चलो मैं 5 ही ले देता हूँ तो 60 हो गया। ठीक है, तो 60 और 21 81 हो गया, मैं 4.75 के बजाय 5 लिया था, कुछ हटा भी दो तो भी अराउंड 70 तक पहुँच जाता है ना। इसमें मैट्रिक स्पेस के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, बट ये देखो कितना बड़ा सा मार्क्स, 720 मार्क्स JRF के लिए चाहिए, अराउंड 65-70 मार्क्स का रियल पूछ ले रहा है। तो अब मान लो कि कोई सब्जेक्ट जो कि बहुत कम वेटेज का है और उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे कि टोपोलॉजी है, उसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और आप अगर 6 महीने टोपोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप जिससे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं उसे अगर ज़्यादा टाइम भी दे देते हो तो अच्छा खासा मार्क्स भी तो लेकर आओगे। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट का भी एनालिसिस यहाँ पे आप आराम से स्क्रीन शॉट ले लेना और उसको जूम करके देखना आप। ठीक है, हाँ, ऐसा मत सोचिए कि कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं सर कि मतलब रियल और लीनियर मिलाकर 120-130 मार्क का पूछ लेते हैं तो फिर मैं उन्हीं दो टॉपिक को प्रिपेयर कर लेता हूं। हाँ, तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन वाले, कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसा देते हैं जो बच्चा थोड़ी भी तैयारी किया है वो कर लेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी है उसको भी प्रॉब्लम होगा। तो दो ही सब्जेक्ट में आप बहुत महारत हासिल करेंगे फिर भी आपके क्वालिफाई होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, रदर देन कि आप सारे टॉपिक को पढ़िए और बेसिक नॉलेज सबका रखिए, थोड़ा ठीक ठाक से सबको पढ़िएगा तो टफ वाले क्वेश्चन ना भी हो तो इजी वाले छांट के भी 60% तो आप आराम से ले आओगे, तो वहाँ परसेंटेज ज्यादा होगा आपके क्वालिफाई होने का। बिल्कुल तो यही कहने का मतलब है कि आप किसी टॉपिक को इग्नोर मत करिए, ठीक है, आप सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए।
अब आगे ये भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले 3 महीने को आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको जो स्टडी में, फॉर एग्जांपल लेट से आप आईएफएस के स्टूडेंट हैं, तो सारा गाइडेंस आपको मिल रहा होता है, बट अगर अज्यूम करो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर आप गाइडेंस कहाँ से लोगे? तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप विजिट करो, उसका फ़ायदा उठाओ। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक जो पढ़ सकते हो, जैसे कि सिर्फ JRF क्वालिफाई करने में ही नहीं, फर्दर इंटरव्यू वगैरह जब देना होता है तो उन्हें भी थोड़ा बुक इस लैंग्वेज में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसको आप तैयार कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाओगे। फिर आप जब पढ़ते हो तो देखो कि आमतौर पर कोई चीज़ टफ लगने लगता है, वीक पार्ट होता है हमारा, तो अपन उसे छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी सर ने कहा था कि कुछ ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़िया करने से बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि हम सारे सब्जेक्ट को ठीक ठाक पढ़ें, तो जिस जो आपका पोर्शन वीक है उसको भी पढ़ के कम से कम एवरेज तो बना ही लीजिए आप, भले ही अबव एवरेज जाए ना जाए आप। फिर है कि सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी प्रॉब्लम इन द सेंस कि मान लो कि सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, अब दिन भर आर की वैल्यू बदल बदल के 2, 3, 4, 5 डालते रहेंगे तो उसे तो कुछ नया हम सीखेंगे नहीं, दिन भर एरिया ही फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हमें क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि हम वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 ही मेन टारगेट होता है। पहला टारगेट क्या होता है कि क्वेश्चन के बहाने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं, और दूसरा कि जितने कॉन्सेप्ट हमें याद हैं क्या हम उसको टेक्निकली अप्लाई भी कर पा रहे हैं क्या समझदारी के साथ। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको क्वालिटी क्वेश्चन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि रिवीजन भी आपका होगा और टेक्निकलिटी भी सीखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। फिर है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि भाई सिलेबस में जितना दिया हुआ है वो तो ज़्यादा ही दे दिया हुआ है। मैं अगर PY को करूँ तो पता चलता है कि कुछ खास ही टॉपिक उस सिलेबस में से भी छट जाएंगे जिस पर हमें ज़्यादा काम करना रहेगा, तो इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जो कुछ आपने पढ़ लिया हुआ है, सिर्फ पढ़ना नहीं उसे याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में डीप डाइव जब आप करते हैं और अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे तो पीछे की चीज़ें छूटती चली जाएंगी, तो जो आप अपना पढ़ने का प्लान बनाएंगे उसमें रिविज़न भी बीच बीच में जो है आप उसको इंक्लूड करें, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, जो सीखा है वो भूल ना जाए, ठीक है। और क्वालिटी प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व भी करने हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है IFS मैथमेटिक्स, इसके ऊपर हम लोगों ने कई सारे सेशंस ले चुके हैं, इवन अभी भी हर रोज हर चैनल पे सेशंस हो ही रहे हैं, तो वहाँ पर आप एग्जाम मैपिंग सीरीज करके देख सकते हैं, वहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। या हमारे वेबसाइट के ऊपर जो हर संडे को एक मॉक टेस्ट भी रन किया जाता है वो आप दे सकते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और PYQs तो खैर आपको देखना ही देखना है, क्योंकि PYQs से ही आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। अब 3 महीने में आपको कैसे कैसे करना है, ये हमारे तरीके से है, आप अपना खुद का भी शेड्यूल बना सकते हैं और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए और फिर देखिए एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, अब 3 महीने बचे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आप रख सकते हैं, या यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज्यादा टाइम दिया गया है, रेदर देन कि हम नई चीजें सीख रहे होंगे, मतलब नई चीजें को सीखने से ज्यादा जरूरत है कि हमने अब तक जो पढ़ लिया उसे संजोकर रखा जाए ताकि हम कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकें। क्योंकि हम लोग जो एग्जाम सर ये CSI NEET है, ये जो हम लोग MSc तक या BSc तक जो पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछते हैं, तो बस हमें वही कॉन्सेप्ट को बस अच्छे से एक बार ठीक से देखना होता है, उनको अच्छे से बनाना होता है और उसी के ऊपर क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद कि आप IFS की मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जस्ट आपको IFS की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, वहाँ पर जस्ट लॉग इन करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर, और वहाँ से आप इसको बस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का बेनिफिट क्या है ना कि ये पेपर बिल्कुल CSIR NET के ही तरीके से उसी लेवल के क्वेश्चन उसी पेपर पैटर्न पे डिजाइंड होता है और पूरे इंडिया के बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको इंडिया लेवल पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको पता चलेगा। अच्छी रैंकिंग होगी तो आप और बढ़िया आप मोटिवेटेड होंगे और अच्छी तैयारी करने के लिए, और अगर रैंकिंग सही नहीं आ रही है तो भी आप मोटिवेटेड होंगे कि भाई मैं अच्छी रैंकिंग कैसे लेकर आऊँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद तो आपको विजिट करना है सिंपली IFSonline.com और वहाँ पर जस्ट बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है,
आपका मोबाइल नंबर क्या है या आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जब वहाँ पर आप फिलअप करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी बस वहाँ पर डाल देना है। अब आप लॉगिन हो जाओगे, फिर लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर कई सारी चीजें देख सकते हैं जो कि जरूरी नहीं कि आप कोर्स परचेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, लाइक प्राइम क्लास है तो है ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी बच्चा उसे अटेंड कर सकता है। हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस पे लेक्चर्स चलते रहते हैं। इसके अलावा जो लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए हैं, परचेज सेगमेंट में भी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा, जिस सेगमेंट में आप जाना चाहें जाएं विजिट करें। ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें हमेशा ही कोई ना कोई मॉक टेस्ट या कोई स्कॉलरशिप टेस्ट चलता ही रहता है जो कि आप दें और उसका फायदा उठाएं। फिर जैसे सीयूईटी के बारे में, यहाँ तो चलो स्क्रीनशॉट लेकर हमने लगाया हुआ है, जिस तरह से ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी है, आपको नेट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, गेट के बारे में, सारे एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। बिल्कुल, अब इसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं। अब आज के सेशन में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई होगी शायद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर लेना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस।